आपको क्या मसला क्या होता है? ये ना बस जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं ना, यही लगता है कि कुछ पास आन के ना हमें फूक मार है, उस वक्त हम बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, हमें फिर कोई होश नहीं रहती। बाद में जब ये अबू या कोई बहन आई या भाई देखते हैं तो ये सारा ना खून निकलता, खून निकलता है खुद ब खुद खुद ब खुद। ये कब से मामला? ये पाँच छः साल तो हो चुके हैं, पाँच छः साल हो चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर ये काम होता है? महीना गुजर जाता है, एक दो दिन हफ्ता आराम से गुजर जाता है। कल का तो बहुत ही ज्यादा हो तो 20 दिन भी गुजर जाते हैं। अच्छा, कल हम किसी के पास दम कराने गए थे, वो कहती हैं पहले आपकी नारे हम काट दें, दम वाले को हम बाद में पूछेंगे। पहले आपकी नारे काट दें, दम वालों को हम बाद में पूछेंगे। दम वालों को हम बाद में पूछेंगे। आवाजें सुनाई देती हैं? आवाजें आती हैं। ये जो आप कह रहे थे कि बेहोश होते हैं, वो किस टाइम? आप वो कोई टाइम नहीं, तकरीबन नमाज नहीं पढ़ने देते। अगर नमाज पढ़े तो जानमार से उठा के फेंकती हैं साइड पे, उठा के फेंक देती हैं, फेंक देती हैं। यहाँ बैठे होंगे, यहाँ से उठा के गली में फेंक देंगे। काम क्या करते हैं आप? हम ये सिलाई के काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं। तो ये किन किन को होता है घर में? ये छोटी बहन है, ये छोटा भाई और मैं बड़ा। मस्जिद वाले इमाम सबक भी पढ़ के जाते हैं पर कोई खुश नहीं आती। ये जो आप कह रहे थे वो गर्दन पीछे हो जाती है जी, पेट ऊपर, वो आपको मैंने वीडियो दिखाई है ना, वो सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है। ये तो असल में पेट के अंदर कुछ है जो पुश कर रहा है पेट को। नजर नहीं आ रहा था और आपको हवा में या घसीटते हुए कोई लेते जा रहा था? मैं दौड़ा के ले जा रहा था, दौड़ इतनी थी कि आंख मरते ही एक गली पास कर, बहुत स्पीड में, बहुत तेजी में जी। आप खुद मतलब पीछे भाग रहे थे या आगे भाग रहे थे? आगे भाग रहा था, वो मुझे भगा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे भगा रही है। जैसे दुनिया है तो हम उनको कैसे जाहिर करें? जैसे ये पैसे आप बता रहे हैं कि आपको यहाँ मिलते हैं जी, घर में, घर में मिलते हैं। जो दरवाजा खुला होता है कोई बाहर से फेंक दे? नहीं, बंद होता है, दरवाजा अंदर मिलते हैं। रात को 9 बजे बिल्कुल सब बैठे हुए होते हैं, अपने अपने टीवी के लगे हुए होते हैं। नहीं, ये मेरे भतीजे का नाम है। माशाल्लाह अनार का दर। छत दो दफा ना पाप मेरे जो कराची गई है ना, दो दफा उन्होंने साफ किया।
ये डिजाइन ये देखो ये खून का ही नक्शा बना हुआ ये खून का नक्शा बना हुआ है ये पहले ये बन जाते हैं ये चिट्टे आते हैं ये लम ये होता पहले पहले ये खून के चिट्टे पड़ेंगी ये आप कह रहे हैं खून के निशान है ये इलम है ये इलम के जरिए आता है खून तो ऐसे जैसे किसी ने छिड़काव किया ये फुहारे थे ना काला इलम है काला इलम कैसे मतलब ये यानी कि ये जिन्नात के जरिए हुआ है सब कुछ तो जिन्नात में क्या किया आके ये आगे ऐसे इसके ऊपर चादर थी इससे पहले तीन बक्से जलाए उन्होंने भाभी ने देखे उसके बाद इसकी चादर से वो जल गई थी पलंग की वो उन्होंने उठाई तो नीचे देखा तो ये डिजाइन बना चादर के नीचे बना हुआ चादर के नीचे जैसे हमने चादर उठाई है ना तब ये पता चला कि नीचे डिजाइन बना हुआ एनी काइंड ऑफ साइन तो जैसे इनके जिस्मों पे निशान होते हैं ना तभी इसके जी ऐसे ये भी निशान है इनके चादर के नीचे जैसे चादर उठाई है ना फिर पता चला ये भी तो काफी दिनों से तो बिल्कुल सुरख था ये वजन है वैसे हराम गुण गाँव से जाओगे नहीं तो बात ये है कि अगर आप कहते हैं ये अक्सर होता था ऐसा नहीं ये जब इलम करती है जब कोई चीज जलानी हो तो ये इलम के जरिए होती है पहले वो जगह कवर हो जाती है अभी आप वापसी जाएंगे तो मैं अपने घर पे भी आपको उनकी पढ़ाई दिखाऊंगा अंदर अच्छा यहाँ आग लग जाती थी यही वो जगह है यही है ना कमरे में और फिर खुद ही आग लग जाती खुद ही नीचे से आग निकलती है ये पलंग है ना चादर थी जैसे नीचे से आग लगी जमीन जी मेरी जो बेगम को तो ये उसी घर में बैठे थे मैं बताया आपको क्या थी चादर जली है वो साथ ही बैठी उन्होंने क्या किया फटाफट जूती उतारी उस आग पे मारा डेढ़ घंटा उनको पलंग को उठा उठा के मारते हैं उनका बाजू भी कराची में इन्होंने तोड़ा कोई मेरी बेगम की चीख नहीं निकली थी मैं दूसरी मंजिल से किराए पे था दो बच्चे थे मेरे साथ में मैं बाथरूम गया हूँ 7 बजे बच्चों ने बोला अम्मी के बाजू टूट गया अम्मी का बाजू टूट गया मैं बाहर निकला हूँ 5 मिनट लगाया हूँ बाथरूम में बाहर निकला तो ऐसे बैठी हुई मैंने बोला क्या हुआ उसने बोला बाजू टूट गया बिल्कुल ऐसे बराबर में आप भी कह रहे हैं कि आग लगी छोटी सी जी मोमबत्ती की तरह नोट कीजिएगा ये कह रहे हैं जमीन से मोमबत्ती की तरह आग निकली इनकी बेगम ने उस आग को चप्पल से बुझाया जी और फिर उनकी बेगम को डेढ़ घंटे तक उछाल के हवा में उछाल के पटका गया जी किसी हवाई चीज हवाई आपने खुद देखा बिल्कुल मैं उन्होंने खुद क्या देखा हमारे उस दिन 15-20 से ज्यादा बल्कि पूरा घर बना था उसी दिन के बाद जब मैंने आपको बताया कि यहाँ से भाई का सामान उस घर पे जा रहा था भाई ने बोला आप सारा सामान वापस ले या पूरे बाहर चैन तक आ गई आग थी और सब बात ये है कि मसला सबसे पहले शुरू हुआ आपके भाई के जो अल्लाह को प्यारे हो गए जी यहाँ आगे लगती बार बार जी जी तो आपने कहा बड़े भाई हैं छोटे भाई की हैसियत से आपने कहा आप तकलीफ से मेरे घर में तशरीफ लाए बस और जब से आपने ये शुरू किया तब सब से मेरे साथ ये चीज सभी की है यार मसला की है ये हमें खुद नहीं समझ लगे बिल्कुल ये हमें खुद भी नहीं समझ लगती अब आपके सामने ऐसे बैठे हैं ना दिल करे तो ऐसा लगता कोई पास आन के हमें हमारे पे ना खूब मारता है वो साथ ही हम भी होश आएंगे खूब हो जाएंगे दिल करे तो 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही पड़े हैं तो एकदम सांस ऐसे फूलती है पता ही नहीं लगता कभी यहाँ से उठ के ऐसे ही हमें कोई उठा रहा है उठा के हमारा सर दीवार में मारता है
हमें खुद नहीं पता लगता। जब वहाँ होश आती है तब ये घर वाले पूछते हैं तुम्हें क्या था, तुम अपना सर क्यों दीवार में मार देते। मैं शायद भाई मुझे पता ही नहीं है। आप आए थे पहले यहाँ पे, आइए ना, आपने क्या देखा? वो जो बिल्डिंग ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश हुई थी वो क्या था? बिल्कुल जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ और ये जो आपी हैं यहाँ पे बेहोश थी, अच्छा इनको मैंने बोला कि इनको उठाएं, मैंने ये ना हो कि वो नाटक सा हो रहा हो यहाँ, अच्छा, अच्छा। तो इनको अच्छी तरह उन्होंने झिझोरा है, मुझे फिर भी नहीं मतलब बिलीव हुआ। मैंने कहा पानी लेकर आओ, पानी लेकर आए हैं और पानी इनके ऊपर गिराया, लेकिन फिर भी नहीं है मतलब कि उनको वो होश आया, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा हम पीछे हटे हैं इनका पेड़ जो है खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर से उछलना शुरू हो गया। तो उसके बाद ये भाई लोग थे, इनको कट्स वगैरह जो है वो लग रहे थे, मतलब जाने के बाद इनकी जो ब्लीडिंग होती है वो शो होना शुरू हो जाती है। यार इनको कह रहे थे कि इनके भगोल के पहले तो नहीं महसूस होता, जब ब्लीडिंग हो रही होती है ना तो उसके बाद फिर कपड़ों से हमें महसूस हो रहा होता है कि ये काम हमारे साथ हो गया। हाफिजाबाद के साथ कसो भी, उन्होंने बोला कि हमारे एक सब्जी बेचने वाला आता है गली में, तो उनसे मैंने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा, तो उसने बोला कि हमारे भी खानदान में ऐसा था किसी को, अच्छा तो यहाँ कोई दम वाला था उसके पास ले आया। अच्छा फिर मैं इतवार को लेके चला गया वहाँ पे, इतवार को जब उन्होंने बस एक टेम्परेली सा दम किया हमें, रश काफ़ी था, तो जब आया हूँ ना घर पे तो बहुत ही बुरा हाल, इतवार को भी पीर को भी, फिर मैं मंगल को भी सुबह हुआ है, फिर वो उन्होंने तीन इतवार का बोला हुआ था मगर मैं मंगल को जला गया दोबारा। उन्होंने बोला जी उन्होंने चिड़ की है, आपके पास कोई भी नोट आया करे ना आप नहीं पढ़ा करो, फेंक दिया करो। घर पे शादी थी और शादी हाल में गए हैं, ठीक है देखें अब सारे मेहमान हैं, तो ये हमारी दादी है ना, ये सब मेहमानों से लैदा होकर तो एक टेबल पे बैठी हुई हैं। इनके पास इतना बड़ा पर्स होता है पता नहीं उसमें क्या होता है, एक टेबल पे अकेली बैठी हुई है। इन्होंने बैग में से कुछ चीज़ निकाली है, ऐसे अपने हाथ पर रख के तो मुंह बंद कर ली है, जैसे ही एक मिनट नहीं लगा होगा, एक मिनट बाद उन्होंने ऐसे किया तो हाथ में कुछ भी नहीं था। यहाँ दो उन्होंने हरफ पड़े होंगे तो वो चीज़ गायब हो गई है। एक बात है, मैं एक सवाल आता है ना, वो आपको अजियत देने के लिए आपके बच्चों पे जी ये तशद्दुद नुमा करवा रही है अगर जी, जी। तो जब वो ये कर सकती हैं तो यहाँ से आके ये नस है आपकी जी रग वाली खून की, इसी को अगर काट दें पता ही नहीं चलता, वैसे नहीं पता चलता जी, खुदा ना खास्ता इनको कुछ होता है खुदा ना खास्ता, तो आपको ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी ना। या वो एकदम क्यों नहीं कर रहे अगर ऐसा कितना कर सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ 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 मतलब कट्स क्यों कर रहे हैं सिर्फ, अगर वो इतनी शिद्दत है उनको इस कदर वो पार चली गई है तो बस वो अभी तकलीफ दे रही है। वो हमें कहती है अभी तुम्हारे साथ हम जुल्म बहुत कम कर रहे हैं, जब ज़्यादा होगा अलगे इसको भी और इसको भी एक दो बार ना करंट भी लगाया बाजू में। बेटा कभी आप गए उनके पास पूछने उनसे कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अगर वो यहाँ आए थे, वो आए थे उनको मैं लाया हूँ ना बुले, मगर मैं वहाँ गया हूँ ये वहाँ गए, लेकिन आप जिस तरह उनको लाए हैं अकेले लेके आए थे? नहीं नहीं पूरी फैमिली थी और यहाँ भी सारे ही थे, यहाँ कम से कम उस दिन मेरा घर 50 से ज़्यादा बंदे होंगे फैमिली में। अच्छा कब की बात है? ये तकरीबन हो गया 7-8 महीने लगा ले, सब मौजूद थे, सब मौजूद पूरा खानदान जो आप पहले मैं पांच फैमिली है ना, ये मेरे दोस्त हैं ये ड्राइवर भाई, इन्होंने बोला कि आप साइड पे हो जाओ हम बाजी को मनवाते हैं। हाँ इन्होंने बैठक में बैठ गए, इनको आधा घंटे इन्होंने लगाया, आपने समझाया हो कि आप मान जाए क्यों कर रहे हैं बता दें खत्म करें मामले को इस तरह ही से? बिल्कुल लेकिन वो मान ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं, हमने कहा था पैसे अगर चाहिए तो हमसे तो हम दे देते इनकी जान छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं खाती हूँ। अच्छा
नहीं मानी तो फिर आपने पेट्रोल जो है उनके पाँव पे जलाया उनको जी। तो खानदान वाले देख रहे थे, सारों ने देखा, उसने ऐसे हाथ फेर के बुझा दिया, कहती है बस हो गया तुम्हारा काम। उसकी आंखों में से एक कतरा भी नहीं निकला आंसू का। तो उनके बच्चे बच्चे नहीं थे साथ? बच्चे बाद में आए। बच्चा छोड़ के उनको चला गया। जाके कहता है मेरे बिनोई ने फोन किया वहां से, उसने कह रहा तलाक के कागज ले दो, बच्चा यहाँ कुरान उठा के गया, मैं अपनी माँ को सुबह लेने आऊंगा, नहीं आया। तीसरे दिन 7-8 बंदों को लेके आए, अपनी बहनों को भी। आप उससे भी मिल सकते, मैं आपको मिलवा सकता हूँ उनके बेटे से। हाँ जी, अगर अपने भांजे से, अपने भांजे अगर उसी गाँव में, मगर मैं उस दिन से नहीं गया जब से वो घर पे बदमाश बुलाते हैं। उससे पहले की मैं उसको सामने बैठा गया, आप भैया सबसे बड़े वाला आपको कराची में बैठ के गवाही देगा कि मेरी माँ क्या करती है, सबसे ज्यादा उसको पता है। उसका बड़ा बेटा भी कहता मेरी माँ ये खुद का, उसको खुद मारना चाहती थी, अपने बेटे को भी मारना। वो हर सुबह उठता था तो एक नया तमीज उसके सराहने पड़ा होता था, माँ ये क्या है, कहाँ से आता है। आप 10 घर का फासला है, अब कोई शैतानी करता है तो किसी को दूसरा पटाखा उसके घर में फेंक सकता है। हम इस चीज को साबित कर सकते हैं किसी तरह, अभी हम सब मौजूद हैं, हम किसी तरह इसको साबित कर सकते हैं, कहीं से ये नोट आ जाए कहीं पे। नहीं अभी नहीं होगा, अभी ईद के बाद एक शादी शुरू है, ये उन्होंने काम ये शुरू किया है, अभी बिल्कुल सबूत मिट रहे हैं हमारे। जैसी वो शादी होगी उनके बेटे की, यहाँ पे बेटे की लड़कियों की शादी है। अच्छा सबूत है, एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं कही, आपको आप गए होंगे लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि कौन कौन आपको देख रहा हो। जी जी, मुझे भी अंदाजा थोड़ा सा है कि कौन कौन देख रहा होगा जिनके लिए ये कुछ मैटर नहीं करता मामला। जी, मेरी और भाईजान की रात को बात हो रही थी कि यार कौन कौन देख रहा होगा, साहिब साहिब नजर साहिब दिल जी, वहीं बैठे बैठे वो क्या कर देंगे अंदाजा नहीं। जी, इसीलिए बस कहने से पहले बोलने से पहले कुछ भी एक बार गौर कर लीजिएगा, एक एक लफ्ज जो है ना आपका, वो कौन कौन देख रहा है और उसका क्या क्या असरात हो सकते हैं उधर भी आप पे भी, जो गड़बड़ है जो फाउल करेगा वो भुगतेगा। वो बता रहा हूँ हम लोग जो बोलते हैं ना, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं जितना बाप हूँ इनका, इनको मैं तो नहीं देख सकता अकेला, बिल्कुल बहू होती है घर पे, अबू आओ घर पे, ये तीनों पड़े हैं। उस बेचारे का हौसला क्या, वो देखती है मोहल्ले वाले इतने इतने जवान बंदे बाजार में, उनको दिखाओ यार नीचे कर दो, नहीं देखा जाता। चार पे बैठे अपने घर असि इतना कोल खड़े हैं, इन्हों बाजू इतो फड़ के ना ना महसूस हो रहा है इतना बाजू ना दो दफा इतना फिर गया, ऐसी आप देख रहे सामने आपके सामने जी हमारे सामने वाला था कि ऐसे ना ये मुड़ गया था पूरा बाजू। यार वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको देखा कि बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और अचानक खून निकलना शुरू हो गया? मैंने खुद देखा है, गाड़ी में जा रहे थे, ये जो बाइक ये है ना ये सेंटर में बैठा था, ऐसे गिरा जब इसको सीधा किया तो पाट लग गया, बाजार में भी ऐसे बाजू पे कट लग गया, मैंने खुद देखा है। मैं कह रहा हूँ आपको ये नमाजी हमारी गवाही देंगे कि उनके सामने वाइट कपड़े जुमे वाले दिन पहन के गए, वो सारे खून के साथ रंग गए, वो खुद कह रहे हैं भाई ये तुम्हें क्या हुआ है। ये पता क्या अभी देखें, छोटी सी बात है, ये आए ना नोट, ये वापस नहीं मंगवा सकते, ये मेरा भी मान है, वो जितनी मर्दी पावर रखती है ना, ये जिस दिन वापस मंगवा जाए मैं उनको मान लूँ। कैसे? इलम से भेजती है ना, वो इलम से वापिस ले जाए, मैं तो जब भी इनको होता है ना तो मैं कहता हूँ जो कुछ भेजा वो वापिस ले जाओ, मैं तो इलम तुम्हारा इलम मान जाता हूँ। सिर्फ गंदा है उनके पास करने को, गंदा है, अच्छा काम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका और उनका वो इल्मों का मुकाबला चल रहा है? नहीं कुछ भी नहीं, जैसे आप इतना उससे कह रहे हैं कि मुझसे वापस लेके दिखाओ तो जब वो भेज सकती है तो ले नहीं सकती, क्योंकि मैं तो इनकी रग रग से बता रहा हूँ कि यही घर था वो जो आप बता रहा हूँ कि सबसे पहले आग लगी, 29 दिन बाद भी आग लगी, जिसके जरिए से आग लगती थी वो लड़की अब कराची में माँ बेटी। मैंने उनको यहाँ पे देखा था जब वो उसी लड़की को पता चलता था कि वो आग लग गई।
साथ भी यही हुआ है कि जैसे हम लेटे हुए हैं, जैसे थोड़ा सा सांस खराब हो रहा है, सांस खराब होते होते कट लग रहे हैं। आपको भी लगे? जी मुझे भी लगे हैं, काफी बाजू पे लगे हैं, जिस्म पे लगे, टांगों पे, काफी ज्यादा मेरे साथ भी हुआ है। और मैंने निशान बाकी हाथ पाँव बाकी नहीं, निशान खत्म हो जाते हैं। काफी अरसा हो, काफी अरसा हो गया मुझे लगे थे, मेरी शादी से पहले लगे थे, अब तो मेरी शादी को भी 3 साल हो गए। अच्छा जी, तो निशान खत्म हो जाते हैं, निशान रहते नहीं है। तो दाम दरूद करवाया, मेरे अल्लाह का शुक्र है, काफी मैं बेहतर हूँ। पर इनका बहुत बुरा हाल हो रहा है, इनको इन्होंने इतना भाई इलाज भी कराया, सब कुछ करवाया, इनको आराम नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सबके पीछे कौन है, क्या है? अच्छा ये मुझे बताएं, जब कट लगते थे जी तो पता नहीं चलता था? नहीं, बेहोशी के हालात में लगते थे, जैसे अब मैं बेहोश पड़ी हुई ना, वो लग गए, जैसे फिर एकदम से जलन महसूस होती थी ना, यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पे देखो कोई चीज कट तो नहीं, देखते थे तो वहाँ से इतना ज्यादा ब्लड निकला हो रहा था। बेहोशी की सूरत? हाँ, बेहोशी की सूरत में लगते हैं। उमर ये कजन है आपका? भतीजा लगता है। आपका भतीजा लगता है? तो आपने क्या देखा मुझे जरा तफसील से बताइएगा। ये बैठे बैठे इसको लग जाते हैं कट, पता ही नहीं चलता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ नहीं। आपने क्या देखा, ये आपके साथ बैठे हुए थे जी? फिर बैठे हुए पता नहीं चलता, अचानक से लग जाती है कट, ना छुरी वगैरह लग जाती है। पता कैसे चलता है? जब तकलीफ होती है, बेहोश हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है ना, खून निकल रहा होता है। खून निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है। कब देखा आपने आखिरी बार? ये तकरीबन वीक पहले, एक हफ्ता पहले देखे। अच्छा जी, क्या देखा था? बैठे हुए थे तो बैठे बैठे। कहाँ? आपके घर पे? नहीं नहीं, इनके घर पे। इनके घर पे आप गए थे जी? अच्छा, बैठे हुए थे, फिर बैठे हुए थे तो अचानक लग गई ना कट, तो फिर सब ये अचानक से बेहोश हो गया था ना, तो फिर बाद में जब होश आई फिर कहने लगे ये देख लेना सब, फिर बैठे बैठे सब ने देख रहे थे। जैसे कोई पत्थर नहीं मारता। अच्छा, कागज का इतना सा तवीज ऐसे होगा जैसे पत्थर है। अभी आज से 10 दिन पहले जो था ना हमारे घर में, ऐसे था कि ये साथ में छावनी है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, तो ये वो चलाते हैं अंदर कुछ बम वगैरह हल्का था कुछ, वो भी उसकी दमक से ये पूरा गांव जो ना लड़खड़ाता है। तो वो हमारे घर पे इतना जोर से रात को बाजी भाभी पढ़ाई कर रही है बैठ के, बड़े वाले बेटे के सर पे बैठ के, तो ये मुझे कहता है ऐसे उंगली करके कहता है अब ऊपर जाओ ऊपर। हम लोग लैड लेके गए तो कोई भी नहीं है, जब वो बेटी उठी है ना उसने बोला कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी। अपने आप को कुछ ऐसा कर रहा था? नहीं सर, सर पूरा काम सबके सामने हो। अच्छा, आपकी जात नहीं करती? नहीं, वो खुद ही हो जाता है? खुद ही हो जाता है। आप देखना इनके बीच में अगर मैं बैठा हुआ ना तो मैं लेट जाऊँगा, इन्होंने देखना पता नहीं क्या हो गया, जब वो मेरी टांगे कपड़ा उठा के या बाजुओं के बटन खोल के देखेंगे ना तो वो सारा खून ही खून निकलता है। मुझे खुद नहीं पता था, 2-3-4 घंटे बाद होश आती है तब मुझे पता चलता है, तब ऐसी जलन सी महसूस होती है। मैंने सोच दिया था बैठ जी है ये बाल सेल्फी है, मदीना यूनिवर्सिटी से PhD किया हुआ है उन्होंने जिन्नात पे पिंडी में, उनको भी भेजी हुई सेल्फी साहब जी। उन्होंने क्या कहा? कुछ भी जवाब नहीं मिला वहाँ। उसमें पिंडी में 2 या 3 है ज्यादा मशहूर जो है ना, वो एक बाल सेल्फी है, दूसरे नंबर पे वो गोल्डन शरीफ वाले वो जो कबूतर से राज करते हैं। ये हम तक भी पहुंच गए और शायद ही कोई मेरे ख्याल से इनके अतराफ के इलाके में कोई जिसको ये बेहतर समझते, मतलब कितनी मस्जिदें आपके इलाके में? यहाँ पे 27 है। 27 मस्जिदों के इमाम तक आपने बात की सबसे, मैंने दिखाई है थाना जिसके में बारे में सुनते कि वो बाबा हैं, वो आलिम हैं, वो आमिल हैं या वो कुछ इल्म रखते हैं, जो मिलता मतलब इनकी सुबह दोपहर शाम बस इसी एक मामले के गिर्द चल रही है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी, अपना कारोबार, अपनी सेहत, वो क्या कुछ कर पाएगा जब इसी से नहीं निकल पाएगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ लोग हैं जी जो देखते हैं हमारा प्रोग्राम, कुछ हैं तो देखने वाले देख रहे होंगे। अब यहाँ बात यह है कि जैसे बता रहे हैं कि इनको शक है, इनको तो यकीन है खैर, लेकिन जब तक हम खुद ना देखें तब तक हम नहीं कह सकते, तो इनके बकौल इनकी बहन जो है, सगी बहन, वो है सबके पीछे। लेकिन जब ये उनके पास गए हैं तो उन्होंने कुरान पे इस बात की नफी की है, कुरान पाक को सामने रखा, हल्फ उठा ले
और इनके साथ उन्होंने जबरदस्ती भी की है, लेकिन फिर भी उन्होंने माना नहीं है इस बात को। हम इस चीज को साबित कर सकते हैं किसी तरह? अभी हम सब मौजूद हैं, हम किसी तरह इसको साबित कर सकते हैं? कहीं से नोट आ जाए, कहीं पे सारा कुछ ये आंटी के पास ही मैं खड़ा हुआ हूँ, चक्कर आ रहे हैं ये आप कर रही हैं लंबी से? ये देखिएगा टांगों पे, देखो टांगों पे ये आ जाएंगे थोड़ी देर में। देख ये कहाँ थे आप अभी? सामने गाला नहीं बैठे घर से होगा, पानी लेके छोटा भाई आया, मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ बस, ये अभी आंटी के पास ही खड़ा हूँ, चक्कर से आ रहे हैं।